तो हे गाइस, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे 25 डेज इन एंड सर्वाइवल आइलैंड, जहाँ पर दूर तक आपके पास कोई भी विलेज का नामो निशान नहीं है और आपके पास फूड सोर्स भी नहीं है, और आपको सर्वाइव करना पड़ेगा 25 डेज इन द सर्वाइवल आइलैंड। सो गाइस, आपको क्या लगता है, हम सर्वाइव कर पाएंगे? सो लेट्स सी इन द वीडियो। सो गाइस, डे 1 पे जैसे मैं स्पॉन होता हूँ, मैं सबसे पहले लकड़ियाँ काटना चालू कर देता हूँ। और फिर गाइस, इनफ लकड़ियों को काटने बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए कुछ वुडन के प्लैंक्स, और वुडन के प्लैंक्स से मैं बना लेता हूँ अपने के लिए कुछ स्टिक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करने के बाद गाइस, मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक पिकैक्स, ताकि उससे मैं माइन कर पाऊँ कॉबलस्टोन को। फिर गाइस, मैं डिग डाउन करके कॉबलस्टोन के माइनिंग के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस, इनफ कॉबलस्टोन को माइन करने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए बना लेता हूँ कुछ स्टिक्स, और फिर गाइस उस स्टिक से मैं बना लेता हूँ अपने के लिए स्टोन टूल्स, जो कि हमें अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड देन स्टोन के टूल्स क्राफ्ट करने के बाद गाइस, मैं निकल पड़ता हूँ एक सफर के लिए। और फिर गाइस, एक्सप्लोरेशन के वक्त गाइस, हमें मिल जाते कुछ एनिमल, तो मैं उन्हें मार के अपने खाने का और अपने बेड का भी इंतजाम कर लेता हूँ। और फिर गाइस, जब मैं इनफ शिप्स को मारने के बाद जब मेरे पास इनफ वूल होता है, तो गाइस मैं उससे अपने लिए बना लेता हूँ एक बेड, और फिर गाइस मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ फर्नेस, ताकि मैं पका पाऊँ अपना खाना। एंड देन गाइस, खाना कुक करते हुए यहाँ पर हो जाती है रात, फिर मैं बेड लगा के सो जाता हूँ। एंड देन गाइस, सुबह होते ही गाइस मैं तोड़ लेता हूँ अपना बेड, और फिर गाइस मैं फर्नेस में से कुक हुआ हुआ अपना सामान लेता हूँ, और फिर गाइस मैं फर्नेस को तोड़ के, और फिर मैं गाइस थोड़ी सी वुड कटिंग के लिए चले जाता हूँ। एंड देन गाइस, इनफ वुड को कटिंग करने के बाद मैं गाइस उनको फर्नेस में छोड़ देता हूँ चारकोल बनने के लिए। एंड देन गाइस, इनफ चारकोल होने के बाद गाइस मैं अपने लिए क्राफ्ट कर लेता हूँ थोड़े से टॉर्चेस, और फिर गाइस मैं अपने फर्नेस को तोड़ के, और देन गाइस अपने क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ के मैं रेडी हो जाता हूँ माइनिंग के लिए जाने के लिए। एंड देन गाइज, मैं स्टार्ट कर देता हूँ डिग डाउन करने के लिए खोज में आयरन और डायमंड के। एंड गाइज, थोड़ी देर डिग डाउन करने के बाद मुझे मिल जाती है एक केव। फिर गाइज, मैं उस केव से सारे के सारे रिसोर्सेस माइन कर लेता हूँ, और थोड़ा मैं उसके को एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ। एंड देन गाइस, थोड़ी देर के उसको एक्सप्लोर करने के बाद गाइस मैं लौट जाता हूँ वापस स्ट्रेट माइनिंग के लिए। तो गाइस फाइनली, जब मैं -54 पे पहुंच जाता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्ट्रेट माइनिंग के लिए, ताकि मैं फाइंड कर पाऊँ डायमंड्स को। एंड देन गाइज, 15 मिनट्स के माइनिंग के बाद गाइज मुझे मिल जाते हैं मेरे फाइनली फर्स्ट डायमंड्स। तो मुझे फटाफट माइनिंग कर लेता हूँ। फिर गाइज उसी के बाद गाइज थोड़ी और देर के बाद गाइज मुझे और डायमंड मिल जाते हैं, और उसके थोड़ी देर और बाद गाइज मुझे तो और थोड़े डायमंड मिल जाते हैं, और फिर ऐसे ही करके गाइज मुझे हर आधे घंटे पे गाइज मुझे डायमंड्स मिल रहे थे, तक फिर मैं उनके कलेक्ट करके मेरे पास गाइज इन टोटल गाइज मेरे पास हो जाते पूरे के पूरे 30 डायमंड्स। एंड देन गाइज, मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ, मैं मेरा सारा माइनिंग का सामान एक लार्ज चेस्ट पे डाल देता हूँ। फिर गाइज मैं स्टार्ट कर देता हूँ फाइनली अपना पहला डायमंड का सेट बनाने के लिए।
और गाइज फाइनली मेरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज कैसा लग रहा होगा इसमें डायमंड का आर्मर है। एंड गेन गाइज मुझे यहाँ पर ही एक मिल जाता है डॉगी, तो गाइज मैं उसे टेम करना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी दो ही बॉन्स थे तो देखते मैं टेम होता है। और गाइज मुझे मेरे से ये डॉगी टेम हो जाता है। एंड देन गाइज फाइनली मैं स्टार्ट कर देता हूँ हमारे हाउस की बिल्डिंग को स्टार्ट करना। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हाउस स्काई बेस बनाने वाला हूँ। तो गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज फाइनली गाइज 15 मिनट्स के बाद गाइज मैं बना लेता हूँ स्टेयर का केस मेरा कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइज उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे घर का बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड देन गाइज फाइनली गाइज 2 घंटे के मेहनत के बाद, 2 घंटे का रिसोर्सेज के ढूंढने के बाद गाइज हमारा घर फाइनली गाइज कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैंने इसका डेकोरेशन तो कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि गाइज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं बन रही थी, तो कुछ कुछ पार्ट्स तो गाइज मिसिंग है इसका बिल्ड करना, जो कि गाइज हम करने वाले इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो गाइज अगर इस पर गाइज अच्छा सपोर्ट मिलता है तो गाइज हम ये सीरीज को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज एंड देन ये गाइज ये हमारा है अपर फ्लोर, और गाइज यहाँ पर मैंने बिल्ड की एक छोटी सी बालकनी जहाँ से मुझे गाइज हमारे आइलैंड का जिसके हम मालिक है उसका मुझे सारा का सारा व्यू दिखता है। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।